तो देखिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो है भक्ति काल, आपकी बुक का नाम भी आदिकाल भक्ति काल है, और भक्ति काल में आप पहले अपना कौन था, निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक कबीरदास जी के मन को पढ़ा था, लेकिन उसके बाद सेमेस्टर में बदलाव हुआ, चेतावनी का अंग लगा दिया, तो वहाँ तक अपना हुआ था, उसके बाद में उसको स्टॉप कर दिया। तो मैं फिर से आपको उसको बताऊँगा कौन कौन से दोहे जोड़े गए हैं, और उसके बाद में सूरदास जी का था वो आपको कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने सगुण काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं तुलसीदास जी, जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने उनकी भक्ति कैसी है, दासबाग, जो किसके भक्त हैं, प्रभु श्री के दास, जो रामचरितमानस लिखी है, कुछ उसमें से लिया है, कुछ विनय पत्रिका जो है जिसमें अपने विनय और मतलब विनय के पद अपने प्रभु श्री राम को एक पत्रिका के रूप में भेंट किए हैं। अब उनमें क्या चर्चा की है उन्होंने, तो देखिए पहला पद जो दिया है आपका, उसमें सबसे पहले तो राम भक्ति का महत्व और संसार की जो विचित्रता है ना, उस विचित्रता की ओर इशारा किया है कि संसार प्रभु ने बनाया है, कैसे बनाया है तो समझ भी नहीं आता है, और इसके बारे में कुछ कहा जाए ना उसका भी वर्णन हम नहीं कर सकते, इस तरह से अपनी बात को रखा है। तो देखिए क्या दिया है, केशव शब्द आया है, केशव, और केशव शब्द आया है प्रभु श्री राम के लिए, तुलसीदास ने लिखा है केशव, फिर चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब अपने बड़े संसार के विषय को लेकर, संसार की विचित्रता को लेकर उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है, क्योंकि संसार क्या है, मोह माया का जाल है जिसमें आदमी फंसने के बाद जिंदगी कब तक अच्छी है, जब तक शादी विवाह नहीं होता, जब तक अपने कंधों पर वजन नहीं होता, जब तक जिंदगी अच्छी है, उसके बाद में तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अभी आपको जितनी अच्छी जिंदगी आपकी है ना, उसके बाद में फिर नहीं रहेगी, उसके बाद में तो गृहस्थी के जाल जंजाल है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तो उन्होंने क्या दिया है, केशव कहीं ने जाए का कहिए कि हे प्रभु श्री राम, आपने जो संसार को बनाया है ना, इसकी माया विचित्र है। क्या दिया, कहीं ने जाए कि संसार को आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया, और बना दिया तो ये संसार क्या है, कहीं ने जाए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या दिया है, कहीं ने जाए क्या कहिए कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बात कहें तो जब जब कोई बात समझ आए, हमें तो कुछ ये संसार की जो माया जाल है ये समझ नहीं आता है। कहीं ने जा क्या कहिए कि कुछ नहीं कह सकते, विचित्रता है संसार में, इसलिए अपने दुख को प्रकट किया है तुलसीदास ने। और आगे क्या दिया है, देखो, देखत तब रचना विचित्र हरी, समझ नहीं मन रही है। देखत तब रचना विचित्र, कि जब हम इस संसार को देखते हैं ना, तो ये आपकी विचित्र जो रचना है, संसार की जो सृष्टि करने जो आपने की है ना, ये जो विचित्र रचना है संसार की आपके द्वारा बनाया हुआ है, तो देखत तब रचना विचित्र हरि, हरि प्रभु श्री राम की ओर संकेत है कि हे प्रभु श्री राम, कि जब हम आपकी जो रचना है, जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में संसार को आपने बनाया है ना, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी समझ से परे हैं ये सारी चीज। क्या दिया है, समझ नहीं मन रही है, कि समझ नहीं आता है, और समझ भी लें तो फिर मन रही है, तो फिर मन के अंदर ही रहती है, इसको हम समझा नहीं सकते। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई संसार की क्या विचित्रता है, तो फिर हम इसको कह भी नहीं सकते, इसको बता भी नहीं सकते। क्या दिया है, समझ मन ही मन रही है, कि समझ सकते हैं और समझने के बाद मन के अंदर ही समझकर उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते इसके विषय में। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता कि कैसी विचित्रता है इस संसार में, तो संसार को जो बनाया है प्रभु श्री राम ने, उसके विषय में संसार की विचित्रता और अपने दुख को प्रकट किया है तुलसीदास जी, कि आपकी जो विचित्रता है ना,
ये बिल्कुल हमारी समझ से परे है। अब देखिए आगे क्या दिया है, शून्य भीत पर चित्र। शून्य भीत, शून्य भीत का मतलब है कि जो ये संसार है और इस संसार में जो माया का जो चित्र बनाया है ना, ये विचित्र है, क्योंकि आदमी उलझता किस में है, माया में। माया कैसी होती है, माया मीठी मीठी बोलती है और आदमी को ठग लेती है, क्योंकि आदमी कहाँ फंसेगा, जहाँ स्वार्थ होगा, जहाँ लोभ होगा, जो मोह माया होगी ना, वहाँ आदमी फंस जाता है। तो मीठी मीठी बोलती है और आदमी को अपने तिरसुमती के जाल में फंसा लेती है माया। इसलिए कबीरदास ने लिखा है कि माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। मीठी मीठी बोलती है, मधुर बात करती है, और फिर माया है ना अपने जाल में फंसा लेती है। तो तुलसीदास के भी समझ से परे है चीजें। तो शून्य भीत पर चित्र, इसका मतलब कि जो संसार है, संसार में जो मोह माया है ना, उस पर क्या दिया, शून्य भीत पर चित्र। भीति, भीति का मतलब क्या होता है, दीवार। जैसी दीवार है, दीवार पर जैसे चित्र बनाया जाता है ना, तो माया पर चित्र बनाया है। ये माया का चित्र ऐसा बनाया है जिसमें कौन ने बनाया है, अब ये ब्रह्म निराकार प्रभु ने बनाया है। ब्रह्म ने का निराकार दिया है, जिसमें क्या दिया, रंग नहीं। चित्र बनाया लेकिन उसमें कोई रंग नहीं दिया। क्या दिया है, तन बिन लिखा चितेरा। तन बिन, तन बिन, तन माने शरीर, बिना माने रही। इसका मतलब कि बिना शरीर के ही चित्रकार ने इस चित्र को बना दिया। इसका मतलब अब तनविन कौन है, अरे परमात्मा ही है। जो शरीर रहित है वो परमात्मा है, तो परमात्मा को इसका क्या माना है, चित्रकार माना है। और ये शून्य भीत पर क्या बनाया है, माया का चित्र बनाया है, जिसमें कोई रंग नहीं दिया है, कोई आकार नहीं दिया है, सिर्फ चित्र के आकृति खींची है। और ऐसा चित्र बनाया है जिसको बनाने वाला भी कौन है, ऐसा चित्रकार है जो शरीर से रहित है, क्योंकि ब्रह्म निराकार दिया है तो चित्र से रहित दिखाया है। आगे क्या दिया है, दोहे मिटे ने मरई भीत। अब ये जो चित्र है ना, ये न तो धोने से मिटता है, न साफ करने से मिटता है। अरे वैसा जो चित्र होता है ना, वो तो कैसे, अरे कुछ समय के अंतराल के बाद अपने आप भीत पर चित्र बनाओ तो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद में वो अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु ने जो चित्र बनाया है, किसने, ब्रह्म निराकार ईश्वर ने, चित्रकार ने जो चित्र बनाया है ना, उसमें जो रंग भरा है वो धोए मिटे ना, वो नहीं मिट सकता, चाहे उसको धो लो चाहे उसको साफ कर लो। क्या दिया इसमें, धोए मिटे ने मरई भीत। अरे जो दीवार पर जो चित्र बनाया है माया का, वो ऐसा चित्र है जो वो धोने और साफ करने पर भी साफ नहीं होता है। क्या दिया है, दुख पाए यही तन हिरे। और ये जो जीव है ना, ये जीव क्या दिया है, दुख पाए। और ये संसार में जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेकर ये क्या, यही तन हिरे, ये शरीर, ये हमेशा दुख भोगता रहता है। और प्रभु की जो रचना है ना, सृष्टि, उसको वो समझ नहीं पाता है और मोह माया के जाल में फंस जाता है, तो फिर वो दुख पाता रहता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, अब रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ती माही, बदनहीन सो गिरसे चराचर पान करंजे जाई, कहूँ कह सत्य झूठ कह कहूँ जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास पर हरे तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। अरे इनको जानने की अगर कोशिश करें तो हर कोई के ये बस की बात नहीं है। पहली बात तो है कि पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा है ना, उसके जब असीम कृपा हो, ज्ञान हो, तो ही इस बात को समझ सकता है। तो देखिए क्या दिया है, रवि कर, रवि कर का मतलब जानते हो, सूर्य, रवि माने सूर्य, कर माने किरण, कि रवि कर नीर बसे अति दारुण, दारुण बहकर, अति माने बहुत अत्यधिक,
दारुण भयंकर मकर रूप। अभी मकर रूप क्या है? मकर रूप का मतलब है जिसको अपन कहते हैं मगरमच्छ। मकर किसको बोलते हैं? मगरमच्छ। लेकिन यहाँ मगरमच्छ किसको माना है? मगरमच्छ यहाँ माना है काल को। किसको माना है? काल को। मकर रूप के माने कि जो ये काल है ना, ये संसार में ये ऐसा मकर है जिसका रूप बड़ा भयंकर है। इसका मतलब है कि काल रूप जो है ना भयंकर दिखाया है, उससे कोई नहीं बच सकता। जब सहस्त्रबाहु रावण और बड़े बड़े बलवान जो है ना, रावण दशानन जैसे भी नहीं बचे, तो फिर ये किसी को छोड़ता नहीं है। क्या दिया? रब कर नीर बसे अति दारुण, जैसे सूर्य की किरणों में क्या बसता है? अति दारुण मकर। अति बहुत अत्यधिक, दारुण माने भयंकर, मकर माने काल स्वरूप मगरमच्छ रहता है। क्या दिया? रूप ते माही। माही का मतलब है अंदर रूप। मगरमच्छ का जो काल रूपी रूप है ना, वो सूर्य की किरणों में बसता है। कैसे? अब देखो इसको कैसे दिखाया है। इसको दिया है जैसे आपने सुना हो कि मरीज का बोलते हैं मृग मरीज का। कभी सुना है सब? मृग मरीज का नहीं सुना तो समझो, मृग मरीज का उसको बोलते हैं जैसे दोपहरी पड़ती है, गर्मी की दोपहरी, और उसमें आप जब दूर देखोगे तो सूर्य की किरणें आपको हिलती हुई दिखाई देंगे, और ऐसा भ्रम होगा आपको कि भाई हो सकता है कि मैं पानी भरा हुआ है। जो सूर्य की किरणें जब अग्नि में तपती है ना, तो वहाँ तरल के तरलता के कारण क्या होता है कि जो रवि किरणें है ना, वो पानी की तरह हिलती हुई दिखाई देती है, और जीव फिर उनमें फंस जाता है, और जीव जाता है वहाँ कि भाई चलो वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचता है तो पानी उसको नहीं मिलता है, और काल रूपी मकर जो है ना उसको ग्रस लेता है। ऐसे समझाया है इसको कि रवि कर नीर बसे, नीर माने पानी, बसे माने रहना। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणों में क्या बसा हुआ है? पानी। क्या दिया? अति दारुण मकर। लेकिन आदमी जो मानव है, जो जीव है ना, उसको पता नहीं है कि उस रवि कर में कौन रहता है? दारुण मकर रूप ते माही, कि भयंकर काल रूपी मगरमच्छ उस पानी में रहता है। और उस ये क्यों दिखाया है? अरे ये भ्रम होने के कारण दिखाया है, क्योंकि संसार में भ्रमित होता हो जाता है ये जीव। अपना जो जीव है ना, ये मोह माया में संसार में क्या हो जाता है? भ्रमित। और भ्रमित होने के कारण वो सूर्य की जो किरणें हैं उनको क्या समझ लेता है? पानी। और फिर जब वहां जाता है तो उस जीव को वो मगर रूप ग्रस लेता है, और यहीं मरकर रह जाता है। ये भ्रम वाली बात बताई है, लेकिन फिर भी आदमी समझ नहीं पाता है। तो देखिए आगे क्या दिया है कि बदनहीन सो गृह से चराचर, बदनहीन। अब ये कालरूप जो दिखाया है रवि किरण में, ये कालरूप कैसा है? क्या दिया है? बदनहीन। ऊपर भी तन बिन चितेरा आया है, इसका मतलब पर ब्रह्म जैसी चित्रकार निराकार धारा, ऐसे ही बदनहीन सो, कि जो काल रूपी मगर है वो कैसा है? बदनहीन, शरीर रूप धारण करने नहीं किया है। अरे अगर मान लो कोई शरीर रूप धारण करके कोई मिलता है तो आप समझ जाओगे, लेकिन यहाँ क्या दिया है? काल कभी भी रूप धारण नहीं करता अपना शरीर का, वो तो अचानक आता है और अचानक ही लेके जीव को चला जाता है। तो बदन तो गिरसे चराचर, गिरसे, गिरसे का मतलब है काल बनाना, ग्रसना, काल बनाना, ग्रसना। क्या दिया है? चराचर। चराचर का मतलब है चर और अचर। जो संसार में चर अचर जो जितने भी जीव है ना, उस सबको वो क्या दिया है? बदनहीन जो काल है मगरमच्छ, वो सबको ग्रस लेता है। कब ग्रसता है? जब जीव भ्रमित हो जाता है तब। आगे क्या दिया? पान करण जे जाए, पान, पान करण। अब पान करने का मतलब है पानी पीने से।
अरे अभी क्या दिया है, विरमित होने के कारण रवि की किरणों में पानी दिखाई देता है, मृग मरीच का बोलते हैं उसको, तो मृग मरीच का में ये जीव क्या हो जाता है, विरमित हो जाता है, और विरमित होकर रवि किरणों में पानी पीने जब जाता है ना, तो क्या दिया है, मकर रूप दे माई, तो मगर मत्स्य रूपी काल तैयार बैठता है, और जैसे जीव आया और सीधा अटैक करता है और उसको मार देता है। जैसे आपने बहुत सारे समुंदर तालाब देखे होंगे जिनमें मगरमच्छ पड़े रहते हैं, चुप पड़े रहते हैं, जान मरे पड़े हैं, और कोई जीव आए वो और ऐसा पछाड़ दे जो भाई सीधे ले जाए, तो वही मकर रूप है, काल का काल रूपी मगरमच्छ है। तो देखिए क्या दिया है आगे, को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को माने। अब कोई तो इसको सत्य मानता है और कोई इसको झूठ मानता है। बेटा बात नहीं पीछे क्या दिया है, को कह सत्य, कोई तो इसको सत्य मानता है और झूठ कह को कोई इसको झूठ मानता है। लेकिन ओरिजिनल बात यह है, क्योंकि मृग मरीज का की जैसी पोजीशन होती है रवि किरणों की, और उसमें जीव को भ्रमित हो जाता है, और जब भ्रमित होकर वो पानी पीने की अपने प्यास बुझाने के लिए पानी पीने जाता है ना, तो काल रूपी मकर उसको ग्रस लेता है, चाहे वो चर है चाहे वो अचर। तो क्या दिया है, को कहे सत्य झूठ कहे को जुगल प्रबल को माने। जुगल, जुगल का मतलब जोड़ा, जुगल माने दोनों जोड़े की बात बताइए, जुगल प्रबल कि इन दोनों को कोई कम मानते हैं, कि भाई दोनों चीज कोई झूठ भी मानता है कोई सत्य भी मानता है। आगे क्या दिया है, तुलसीदास पर हर तीन ब्रह्म, तुलसीदास पर हर तीन ब्रह्म स्व आपन पहचाने। तुलसीदास जी कहता है कि इन तीन ब्रह्मों से आदमी जब ऊपर उठ जाता है, अर्थात उसको जब सच्चा ज्ञान हो जाता है ना, अब ये तीन ब्रह्म क्या है, द्वैतवाद अद्वैतवाद और सांख्य दर्शन, समझ रहे हो आप, इसका मतलब द्वैतवाद क्या है अद्वैतवाद क्या है और सांख्य दर्शन में प्रभु के दर्शन उसका वर्णन क्या है, इन तीन चीजों को जो समझ जाता है ना, तो वो क्या उठ जाता है, सो आपन पहचाने, तो फिर वो अपने आप को और आपको प्रभु पहचान सकता है। और जब तक उसको ज्ञान नहीं है ना, जब तक इन तीन ब्रह्मों में जीव घूमता रहेगा, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये संसार क्या माना है, माया का भ्रमित रूप माना है, और जीव इनमें फंसकर उलझ जाता है। इस तरह से उन्होंने क्या दिया है, विनय पत्रिका का पहला पद जिसमें राम भक्ति का महत्व और संसार की विचित्रता बताई है, और संसार की विचित्रता में प्रभु का बहुत बड़ा हाथ दिखाया है, जो क्या है, एक चित्रकार के रूप में प्रस्तुत किया है, और संसार में मोह माया का जाल जो है उसको दिखाया है। लेकिन इस मोह माया के जाल से वही लोग बच सकते हैं जिनको क्या हो जाता है, ज्ञान। बात समझ आई, आप देखिए